नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। आपको याद होगा कि हाल ही में जयपुर में कृषि विभाग ने खुद कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने एक शहरी सब्जी प्रोत्साहन नाम से योजना लॉन्च की, या यूं कहें कि आनंद फानंद ने बिना बजट के ही योजना लॉन्च कर डाली। और अब विभाग टेंशन में है क्योंकि कृषि विभाग का पैसा आखिर शहरी क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दिखाएंगे विभाग का पूरे मामले पर जवाब क्या है, क्योंकि पहले तो तोल मोल के बोला नहीं गया। दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट, लेकिन सबसे पहले बात भीलवाड़ा के आसिन के उस परिवार की, जिसकी दयनीय हालत देखकर, मासूमों की मासूमियत देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। लेकिन प्रशासन को दया नहीं आई। स्थिति ऐसी मानो सरकार के दावों की पोल खुल रही हो, और शायद इसीलिए इस बेरुखे से तंग आकर एक लाचार मां पूछ रही है कि अब कैसे चलाऊं परिवार। तीन साल से एक लाचार महिला घर के बाहर चारपाई पर रहने को मजबूर हो गई है। ना पति का साया, ना घर में कोई बड़ा बुजुर्ग, ना कोई सगा संबंधी। यही नहीं, वे हिलने डुलने खाना पानी के लिए भी मोहताज हो गई है। दर दर के ठोकरे खाने के बाद भी उसे अब तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। ये विधवा सरकारी योजनाओं से भी अपाहिज हो गई है। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। घर के आंगन में झाड़ू लगाती मासूम बच्ची, अपने नाजुक कंधों पर बोझ ढोते ये बच्चे, घर का हर एक छोटा बड़ा काम करना, पानी लाने से लेकर चौका बर्तन तक। यही नहीं, अकेली विधवा और विकलांग महिला की देखभाल भी यही सात मासूम ही करते हैं। यहाँ ना तो बाल मजदूरी करवाई जा रही है और ना ही ये एक दो दिन का काम है। यहाँ तो लंबे वक्त से मासूम इस तरह से ही बचपन जीते नजर आ रहे हैं, और कहा नहीं जा सकता कि आखिर कब तक यहाँ इस तरह के हालात बने रह सकते हैं। चलिए पूरा मामला समझाते हैं आपको। प्रदेश का भीलवाड़ा जिले का आसिंद उपखंड, जहाँ करजालिया ग्राम पंचायत के नारायणपुरा गांव में एक 45 वर्षीय विधवा लाचार सीता रावल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। पहले उसके सिर से पति का साया उठा, और बाद में 3 साल लगभग पहले एक हादसे में अपना एक पैर भी गवा बैठी। लगभग 3 साल हो चुके हैं तब से आज तक अपने कच्चे घर में बिना बिजली की रोशनी के बाहर चारपाई पर रहने को मजबूर है। न ज्यादा हिलडुल सकती है और ना ही कोई काम कर सकती है। लगातार बस यही राह देख रही है कि कब मुझे सरकार की योजना का लाभ मिल जाए और अपने मासूमों का भरण पोषण कर सकूं। एक्सीडेंट है कि मेरा पग टूट गया, बच्चा बच्ची हाथ बहन पे ही मेरे। कोई सरकार में लाभ मिलियो ने, कोई मैंने कोई हम उसे देख लो के आगे पासे कोई नहीं है। मेरे पीर बच्चे हारा बच्चे, मेरा बच्चा बच्ची ने मोटा कर बड़ा भी कोई नहीं है। अब कोई थोड़ो गुणो जो साथ दे वो तो बच्चा बच्ची मोटा हो, इंद्र बच्चा बच्ची का खोटा लेके है मेरा। ना पढ़ाई से सरोकार है मासूमों का और ना ही कोई खास समझ। बस इतना जानते हैं कि इस घर में जैसे तैसे गुजारा करना है और लाचार माँ की सेवा करनी है। यही नहीं, परिवार की एक नाबालिग बालिका अपने माथे पर सिंदूर लगाए रखती है, शायद इन सुहाग की निशानियों से वे अनजान है। लाचार माँ भी क्या करे, क्या समझाए उन्हें। हर जगह से थक हार कर वो तो बस सरकार से ही उम्मीद लगाए बैठी है। मार नाम कैलाश, गाँव नारायणपुरा का रहबा वाला हूँ। ये सीता देवी के घर में की खाबा पीबा की कम की कौन व्यवस्था। 3 साल माचा में पिड़िया ने रेता ने गया, इके 7 बच्चा बच्ची है। इकी कोई होने न करिया है सरकार की तरफ ने, इके घर में ने कई कौन खाबा में। ऐसा नहीं है कि इसकी समस्या से हर कोई अनजान है, लेकिन देखिए ना, अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ इस परिवार को नहीं मिला है। अब इसे ग्राम पंचायत की लापरवाही ही कहेंगे कि अब तक इस पीड़िता का बीपीएल भामाशाह स्वास्थ्य योजना और आधार कार्ड भी नहीं बन पाया है। एक तरफ तो सरकार असहाय और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों की मदद के लिए बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की बेरुखी की वजह से गांवों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजना पर ही
सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और अब इसे बेरुखी कहें, सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता कहें या फिर लापरवाही, लेकिन जो भी हो यही वजह है कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ गांवों में रहने वाले गरीब तबकों के लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। वेस्ट इंडिया के लिए भीलवाड़ा के आसीन से मंजूर शेख की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो है मंजूर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंजूर, इसमें यहाँ पर यह भी मामला सामने आ रहा था कि जो पूर्व विधायक है इसकी सहायता करने के लिए तैयार हुए थे, आधा इलाज भी कर लिया गया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो पीछे हट गए? फिलहाल इनकी हालत कैसी बताई जा रही है परिवार की? मंजूर, मंजूर आप तक आवाज पहुंच रही है? मंजूर, यहां पर जो पूर्व विधायक हैं वो इनकी मदद करने के लिए आगे आए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए, उसके बाद वो पीछे हटते हुए भी नजर आ रहे थे। क्या यही वजह मानी जाए या फिर कोई दूसरी वजह यहां पर सामने आ रही है कि मदद के लिए हाथ नहीं उठ रहे? प्रशासन की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर इस परिवार की हालत कैसी है? पूनम, मैं बताता चलूं, ये घटना मेरे को 22 अप्रैल में पता चला। जब मैं इस महिला की वहाँ उसके घर पर जाकर देखा तो इसकी काफी दयनीय स्थिति थी। जी। इतनी दयनीय स्थिति थी कि एक कच्चे आटे को तवे के ऊपर सेक कर इसके परिवार का भरण पोषण खाने के लिए किया जा रहा था। जी। वही दूसरी ओर जब मैं ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलना चाहा तो सरपंच भी नहीं मिला, और सरपंच ससुर ने मेरे को आश्वासन दिया कि इसका मैं आधार कार्ड बनाऊंगा, लेकिन कल मैं वापस उसी गांव में गया और उसी औरत सीता से मिला, लेकिन उसका अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला, नहीं बना है। जी, तो क्या वजह क्या सामने आ रही है कि आखिर जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जो है यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब परिवार है, बेसहारा परिवार है, जब सामने ऐसा परिवार है तो उसके ऐसे कार्ड क्यों नहीं बनाए जा रहे, क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा? मंजूर, इसमें प्रशासन की पूरी पूरी लापरवाही नजर आ रही है, साथ ही सरपंच की भी इसमें लापरवाही नजर आ रही है। जी। सरपंच अगर चाहता तो ई मित्र के जरिए इस विधवा महिला का आधार कार्ड बना सकता था। इसके बारे में मैंने सरपंच से 22 अप्रैल को बात की कि अगर ई मित्र वहां नहीं पहुंच पाता तो मैं इसको 500 रुपए खर्चा देकर इसका कार्ड बनाऊं, लेकिन वो चीज भी अभी तक नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो घर का खर्चा जो है वो कैसे निकल पाता है? जिस तरीके से आपने बताया कि कच्चे आटे को तवे पर सेक कर ये लोग खाते हैं, गुजारा करते हैं, अगर पीड़िता की बात करें तो वो खुद विकलांग है, यहाँ पर हिलडुल भी नहीं सकती, ऐसे में उसकी सेवा करना, घर में 6-7 बच्चे हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर पाला जा रहा है, आखिर किस तरीके की स्थिति ये जो सामने आ रही है कैसे वो संभालती हुई नजर आ रही है पीड़िता? मंजूर, पूनम, मैं बताता चलूं, ये महिला चार पाई से बिल्कुल नहीं उठ बैठ सकती है, जिसके चलते इसका आधार कार्ड बनाया जा सके। मैंने सरपंच को इस ओर बार बार इशारा किया कि मैं अपने जेब से 500 रुपए खर्च करके उस ई मित्र संचालक आधार कार्ड बनाता है उसको वहां उसके गांव में भेजे और उसका आधार कार्ड बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा मंजूर, लेकिन अभी हमारे साथ खुद पूर्व विधायक साहब हैं, वो जुड़ गए हैं हगामी लाल मेवाड़ा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हगामी लाल जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद मैडम। हगामी लाल जी, करजारिया उपखंड है आसीन में, आपको पता होगा नारायणपुरा गाँव में एक महिला है। जी जी, महिला की स्थिति आपको पता होगी, 7 बच्चे हैं, बड़ी बुरी हालत है, जिसका इलाज जो है वो शुरू भी करवाया गया था लेकिन हाथ पीछे खींच लिए गए। क्या सीता देवी? हाँ मैडम, मैं सही बात है, सीता देवी वाइफ वो बजूलाल है उसके हस्बैंड। जी जी, विधवा है बेचारी और 7 बच्चे बच्ची है, उसका एक्सीडेंट में पैर टूटा हुआ है। जी। और आज तक सरकार ने उसकी कोई सूझ नहीं ली है। जी। और मकान भी नहीं रहने का है, छपरा जो आता है एक कच्चा छपरा, उसके मकान बना हुआ उसका। जी। सरकार ने कई बार, हमने एसडीएम को कहा, कई बार हमने जो उच्च अधिकारी को कहा कि इसको बीपीएल बनाओ, बीपीएल के लाए गए तो बीपीएल नहीं किया। जी। और उसका जो है इलाज बिल्कुल नहीं हो रहा है और बिल्कुल तकलीफ में है,
लेकिन प्रशासन को सूचित करने के बाद भी पूरी स्थिति आप अच्छे से समझते हैं आगामी लाल जी, जैसा कि हमें सूचना मिल रही है, जब आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, आपने इनकी मदद करने की कोशिश भी की, इलाज शुरू भी करवाया गया, लेकिन बीच में ही इलाज रह गया, क्या वजह माने इसके? मैं इलाज यही आर्थिक तंगी के हिसाब से इलाज हो, इसको सरकार की तरफ से जो पैसे लेती महीने चाहिए थी, चयनित हो जाती तो इसका इलाज हो जाता जी। बीपीएल अगर कर देते हैं तो मेडिकल जो रिलीफ मिल जाती है, इसका इलाज होता जी। और अगर प्रशासन अब नहीं कराएगा तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके कराएंगे। लेकिन अभी तक क्यों नहीं करवाया गया, यही तो हम सवाल आपसे कर रहे हैं। एक नेक काम आप कर रहे थे, एक अच्छी पहल आप कर रहे थे, लेकिन बीच में रुक जाना, क्योंकि आप यहाँ पर चुनाव हार गए हैं, ये तो कोई वजह नहीं है। कई एनजीओ ऐसे हैं, कई सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जिनके साथ मिलकर आप उनकी मदद कर सकते थे। नहीं नहीं कर रहे ना मैडम, बिल्कुल जो है एनजीओ से भी हम मिलकर इसका इलाज करा रहे हैं और व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर पीड़िता खुद कहते हुए नजर आ रही है कि शुरुआत जरूर की गई थी लेकिन हाथ पीछे खींच लिए गए हैं, कोई यहाँ पर सहायता नहीं दी जा रही, ना तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, और आपका नाम लिया गया था बकायदा, उन्होंने कहा था कि वो मदद करने के लिए आए थे, क्या ये सिर्फ चुनावी वादे दावे समझे जाए? नहीं नहीं चुनावी वादे नहीं, मैं तो सदाबहार हूँ, मेरा कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, मैं चुनाव आ रहा हूँ तो भी जनता के बीच में रहता हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं दुख सुख में हर आदमी के पास जाता हूँ, पहले भी आपको मैंने हमारे उधर जन्नाड़ा में एक गाँव में बच्चा था। बिल्कुल, आप काम करते हैं, आपने पहल भी की थी, दरअसल उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसे कॉन्टेक्ट्स नहीं है कि वो आगे जाके किसी से मदद मांग सके, आप भी जानते हैं हिलडुल वो नहीं सकती, लेकिन अगर आप ऐसे कोशिशें करते हैं किसी एनजीओ से मिलकर या सामाजिक संस्था से मिलकर, अगर आप ये पहल फिर से शुरू कर दें तो उनके लिए, उनके परिवार की जो माली हालत है वो सुधर सकती है। गामी लाल जी बिल्कुल करेंगे, उसका क्या है परिवार क्या है, इतना गुजरों का गाँव है पूरा नारायणपुरा गाँव जो है वो गुजर बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन एक ही घर है वो राउत का जी, इसलिए जो है उसकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, तो अब हम उसकी जो है हमारी जेब से हम करेंगे, लेकिन प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि उसको ज्यादा। बिल्कुल हम जी बिल्कुल हम विधायक साहब को भी फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और वो जुड़ भी चुके हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। रामलाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामलाल जी स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ रामलाल जी, ये करजारिया ग्राम पंचायत है, उपखंड है, यहाँ पर नारायणपुरा गाँव है, यहाँ पर एक पीड़िता है जिसके नहीं कौन सा गांव? नारायणपुरा। नारायणपुरा जी जी जी, यहाँ पर एक पीड़िता है और सात बच्चे हैं, विधवा है, विकलांग है, हिलडुल नहीं सकती, घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। यहाँ पर पूर्व विधायक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी फोन लाइन पे ही है, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने इलाज शुरू करवाया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने अपने जो कदम थे, एक अच्छी पहल थी, वो पीछे ले लिए, लेकिन अब प्रशासन जो है क्या कर रहा है, ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी योजना का लाभ उस तक नहीं पहुंच रहा, आधार कार्ड नहीं बना है उसका, खाने को मोहताज हो गई है वो पीड़िता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए और आश्वासन यहाँ पर देने के लिए। आगामी लाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मदद की जो दरकार यहाँ पर की गई है उसका यहाँ पर रिजल्ट भी नजर आएगा, जो आश्वासन यहाँ पर विधायक साहब ने दिया है, पूर्व विधायक भी यहाँ पर विधायक साहब से गुहार लगाते हुए नजर आए हैं, पूरी पूरी कोशिश करते हुए वो नजर आएंगे, यही उम्मीद हम करते हैं। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक बात करने वाले हैं उस नसीहत की बात की जो कि कृषि विभाग के लिए है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।